चलें, हम जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक है, रिपीट करें हसन साहब जल्दी से, टेस्ट का नाम क्या चीज़ था? नॉर्मेलिटी, जी, नॉर्मेलिटी। हमने लास्ट क्लास में 5 पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़े थे, 5 नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़े थे। तो उसमें से एक अजम्पशन होती है कि जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, रिपीट करें। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निकली ये पूछा जाता है क्या ये नॉर्मेलिटी फॉलो कर रहा है। मिसाल के तौर पर एज का वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव है, तो एज का वेरिएबल यस सर, मुझे नुमेरिकल चेक यस करना सर। बट पड़ेगा क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, क्योंकि नॉर्मेलिटी का ताल्लुक फिर इस बात से होगा कि मुझे पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करने हैं। डन। यस सर। ये वेरिएबल टेन्योर, इसकी भी नॉर्मेलिटी चेक की जा सकती है, एज की भी नॉर्मेलिटी चेक की जा सकती है, एड्रेस, इनकम, इन तमाम चीज़ों की। तो हम देखना, अब हम ये सीखेंगे किसी भी वेरिएबल की अगर नॉर्मेलिटी चेक करनी है क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं, तो कैसे चेक की जाएगी। ठीक है, यस सर, इसका पाथ समझ लें। पास समझ ना रन कैसे होगा। ठीक है, जी। एनालाइज, एनालाइज के बाद कहाँ जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के डिस्क्रिप्टिव, बाद एक्सप्लोर। ठीक है, याद हो गया? सुनाए यस सर। मुझे। सर सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, एंड देन फिर सर क्लिक करें, तो उसके बाद सर डिस्क्रिप्टिव एंड देन एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे के। ठीक है, किसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी थी आपने? सर एज की या इनकम की एज की चेक कर जो आप लेते हैं, बोले। एज को कहाँ डालेंगे? डिपेंडेंट के अंदर। डन। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? सर 1 मिनट, प्लॉट्स। प्लॉट्स पर क्लिक कर दिया। यस सर, ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मेलिटी प्लॉट विद द टेस्ट, विद टेस्ट। ठीक है, कंटिन्यू करूँ? यप ओके जी कर सर। दिया। ये आउटपुट फाइल आ गया हमारे पास। हाँ ये रही, हाँ ये देखें, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स आ गया, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। जी, ये आपको कोलमोग्रोव शपिरो ब्रिज दिखा यस सर, दो? तो आप जब भी किसी बुक में जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है कोलमोग्रोव और शपिरो ब्रिज, दो टेस्ट है जो चेक करते हैं कि नॉर्मेलिटी है या नहीं है। इनकी सिग वैल्यू क्या है? सर 0.000। अच्छा, इसका नल हाइपोथेसिस होता है वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नल है कि वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि वेरिएबल नॉर्मल सर वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो फॉलो नहीं कर नहीं रहा। कर रहा। ठीक है, सिग वैल्यू 0.000 है, ग्रेटर देन 0.05 है, लेस देन 0.05 है। सर लेस देन 0.05 है। इसका मतलब है नल रिजेक्ट हो गया, यस सर। इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा। जी सर। ठीक है, तो अगर मुझे ये चेक करना था कि एज का वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं कर रहा। डन। यस सर, डन। अच्छा, अब मुझे आप टेन्योर चेक करके बताएं कि टेन्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं। करें कैसे होगा? सर स्क्रीन पे जाएं आप, वहां पे दूसरी वाली। जी इसी पे भी हो जाएगा, वहां पे जी जाने की जरूरत थोड़ी जी ना सर, है। सही है सर। टेन्योर बोला आपने, ठीक है। जी एनालाइज में जी जाएंगे सर, जी एंड फिर देन डिस्क्रिप्टिव, फिर देन एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, एज को ठीक है, बाहर कर अब यहाँ दूं, पे सर इसको बाहर कर देंगे, अब टेन्योर को हम लोग यहाँ पे एड ऑन कर देंगे। ठीक टेन्योर ले आता हूँ, मैं टेन्योर ले आता हूँ। ठीक है, एक साथ तीन है, चार भी एंड डाल सकते हैं, देन एड्रेस भी डाल दिया, इनकम भी डाल दिया, सब एक साथ भी कर सकते हैं, एज भी डाल दिया, चारों एक साथ डाल दिया मैंने। ठीक है, ओके करूं? ठीक है सर, प्लॉट पे क्लिक करेंगे। वो ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, मैंने इसको रीसेट नहीं दबाया था ना, ओके अगर मैं ओके ओके, रीसेट दबाता तो ठीक है वहां ठीक से है, हट सही जाता। ठीक है, ओके कर दूं? है सही है। ओके ओके सर, ठीक है, अब ये आ गया नॉर्मेलिटी प्लॉट, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, ये आ गया टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। जी, चारों के चारों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। अब डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं नॉर्मेलिटी टेस्ट एसपीएसएस में कैसे होती है, तो आपका आंसर होगा दो कोलमोग्रोव स्मिरनोफ के थ्रू भी चेक होती है, शपिरो विल के थ्रू भी चेक होती है। ठीक है, यस ठीक है, सर, अगला सवाल, यस सर। शपीरो विल का नल हाइपोथेसिस क्या है? क्या आंसर देंगे आप? सर नल है, एच नॉट हमारे यहाँ पे ये है कि फॉर ये टेन्योर का वेरिएबल
और एड्रेस का और नहीं नहीं अभी इनकम और एक का एज बताना, का, एक एक का ये चेक कर तमाम। लेना बस। आप ये अच्छा इतना ओके शेप्लीजोविल को ओके कॉर्नोगो सेमिनो का नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो नॉर्मेलिटी फॉलो सर, करने की ये बात करते हैं नॉर्मेलिटी फॉलो पॉल। कर रहा है। हाँ उसका नल हाइपोथेसिस होता है कि वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा अब इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। हमने सिग्निफिकेंट का टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। नॉर्मली बहुत जगह पे ये टेस्ट नहीं करवाया जाता, वहां पे ग्राफ बना के देखा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो डिफरेंट सर बुक में हिस्टोग्राम, आप में इस पे आते हैं, हिस्टोग्राम सर, हिस्टोग्राम से भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन चलो मैं आपको हिस्टोग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, हिस्टोग्राम से भी आइडिया हो जाता है। लेकिन दिखाता हूँ आपको, हाँ चार्ट हिस्टोग्राम शो नॉर्मल कर्व, ठीक है। ये देखें, देखने में तो नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है। लग रहा है, लेकिन सवाल ये होता है थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा सा जो मुझे पॉजिटिव स्क्यूड लग रहा है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जब तक मैं टेस्ट नहीं लगा लेता मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक डन है? लेकिन जो इसके यस सर। मशहूर प्लॉट है उनका नाम है पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट। क्या नाम है? पीपी पीपी प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट प्लॉट, क्यूक्यू और क्यूक्यू प्लॉट, प्लॉट, ठीक है। यस सर। ये कैसे बनते हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपनी नॉलेज में इजाफा हो जाए। जब आपको कॉल्मोग्राफ शेपिरोविल का आता है तो बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी चीजों के थ्रू। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ आर्टिकल्स के अंदर नॉर्मेलिटी पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट के थ्रू चेक की होती है। ये कैसे बनेगा? एनालाइज पे आ गए, डिस्क्रिप्टिव। सेकंड लास्ट यस ऑप्शन सर, क्या पीपी है? प्लॉट। सर पीपी प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी नॉर्मल लिखा हुआ है, दिखा आपको? यस सर। यहाँ पे मैंने एज डाला, ओके कर दूं? यस सर, ओके कर दिया। ठीक अब है। यहाँ पे आपको पीपी प्लॉट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे डॉट्स अगर लाइन के ऊपर हो ना, बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन देखें यहाँ पे थोड़ी सी डेविएशन आ रही है, बस नॉर्मलिटी के बहुत यस करीब सर, है, ठीक है। एक और काम करते हैं, एज की जगह हम बनाते हैं इनकम को पीपी प्लॉट। अब ये देखें इसमें तो नॉर्मलिटी बिल्कुल नहीं आ रही, ये बात दिख रही है आपको? यस सर, अगर मैं एज का हिस्टोग्राम भी बना के देख लूं तो ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। यस सर, इनकम का, सॉरी एज का तो आ रहा था, इनकम को बनाना था। ये देखें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पॉजिटिव स्क्यूड दिखा आपको? यस तो सर, एज तो फिर नॉर्मलिटी के थोड़ा करीब है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी करीब नहीं है। अच्छा एक ग्राफ को हमने और नाम दिया था, उस ग्राफ का नाम क्या था? क्यू क्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट, सेम चीज है, बस पीपी इधर क्यूक्यू, बाकी सब कुछ सेम है। इनकम को डाल दिया मैंने यहाँ पे, ओके कर दूंगा। इसकी इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही होगी, ठीक है। लाइन के ऊपर देखें ये डेविएट कर रहा है, लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल यस सर, सारे डॉट लाइन के ऊपर हो तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। लेकिन ये सारे ग्राफ आपको आइडिया देंगे बस, लेकिन हमने टेस्ट लगा के देखना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी सर, अच्छा जब हम रिग्रेशन वगैरह पे जाएंगे तो हमें वहां पे अजम्पशन चेक करनी पड़ती है रेसीडुअल की, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं। जब हम नॉर्मली एसपीएसएस में कर रहे होते हैं तो फिर इसी के थ्रू कॉल्मोग्राफ शपिरो व्हील के थ्रू ही कर रहे होते हैं। जब हम ईवीएस पर जाते हैं वहां पे एक बिल्ट इन मॉडल होता है जाक बैराक का, एक और टेस्ट होता है वो भी नॉर्मलिटी चेक कर देता है आपकी। लेकिन ये सबसे मशहूर है वो जी हमने डिस्कस कर लिया, कॉल्मोग्राफ और शपिरो व्हील, ठीक है। शिपिरो, यस सर, नाम यस याद सर। रहेगा, सर रशियन थे उसके अलावा दोनों, मैं लेकिन, यस मैं सर, लिखे हुए आ यस। जाएंगे, रशियन थे दोनों तो इसलिए आपको थोड़ा सा नाम मुश्किल लग गया। कॉर्मोगोव समिनोव नाम है और दूसरे का नाम शपिरो बिल क्या, ठीक है। यस सर, दिखा देता हूँ दफा, ये देखें कॉर्मोगोव समिनोव शपिरो बिल, यहाँ तक क्लियर हो गया? पीपी ऑफ शिपिरो, यस सर। का मीन होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ये चैट में क्वेश्चन आया हुआ पीपी एंड क्यू क्यू, पीपी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है और क्यू क्यू होता है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल हमने पढ़ लिया, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल वगैरह। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें यस सर, अब आपने पूछ लिया तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ पीपी की फुल फॉर्म क्या है, क्यूक्यू की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जी सर, लेकिन मैं फिर से कह दूं ग्राफ हमें सिर्फ आइडिया देगा, आप हिस्टोग्राम बनाएंगे आपको आइडिया होगा, लेकिन वो नॉर्मल है या नहीं है जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे आप नहीं कह सकते। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, अच्छा अब सवाल ये नहीं है कि नॉर्मल है या नहीं है, सवाल ये उठता है अगर मुझे कैसा मॉडल फिट करना है जिसमें नॉर्मलिटी की रिक्वायरमेंट है। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी सब्सिट्यूट मॉडल में जाऊं, ठीक है,
या तो फिर मैं उसको नॉर्मल बनाऊं, यही दो ऑप्शन है ना? यस सर। रिपीट करें, कौन कौन से दो ऑप्शन है सर या तो हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट यूज करें, ठीक है, या फिर हम लोग जिसकी उसको ऑल्टरनेटिव टेस्ट कौन सा होगा जिसको नॉर्मेलिटी की नीड नहीं नहीं होगी। होगी? ये हमने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि पैरामेट्रिक मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है? इंडिपेंडेंट जी टी सर। टेस्ट, पीआर टी टेस्ट पैरामेट्रिक में आता था, मैन विटनी विलकॉक्सन फ्रेडमैन क्रुस्कल वैलिस नॉन पैरामेट्रिक में आता था, और पैरामेट्रिक में आते थे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पीआर टी टेस्ट, वन वे अनोवा, रिपीटेड मेजर अनोवा। तो उसमें से एक अजम्पशन नॉर्मेलिटी की थी, वो भी हमने सीख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। जब डेटा नॉर्मल नहीं होता तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका सैंपल साइज छोटा हो और डेटा के अंदर आउटलायर हो, वो नॉर्मेलिटी को खराब कर देता है, ठीक है? अक्सर कुछ और यस सर। मेथड्स क्या होते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें। ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं? आप ओरिजिनल वेरिएबल पर काम ना करें, उसका लॉग ले लें। जी सर। मिसाल के तौर पर समझाता हूँ आपको, ये सर वेरिएबल डमी है। वेरिएबल बना लें हाँ, उसका। अभी आप इनकम को, इनकम पे काम कर रहे हैं ना, जी सर। आप इनकम पे काम मत करें, आप लॉग ऑफ इनकम पे काम कर लें। मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लिया, लॉग ऑफ इनकम, ठीक है? ऑल एल एन लॉग ले रहा हूँ, किसका? इनकम का इनकम का। ओके कर दिया, इसका नाम दे देता हूँ ए। ओके, अब देखिए मेरे पास एक न्यू वेरिएबल आ गया है, यस यहाँ पे देखिए आ गया है ना। सर। लॉग ऑफ इनकम। यप हाँ, अब चेक करते हैं, हो सकता है इससे कुछ बेहतरी आई हो। इन्हें हम ट्रांसफॉर्म वेरिएबल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। क्या आप ओरिजिनल देखें, बेहतर हुआ मामला नहीं हुआ? पहले जी सर थोड़ा इनकम सा बहुत बेहतर हुआ। और था, काफी बेहतर हो गया है, ये बात समझ रहे यस हैं? सर का। लेकिन सवाल ये यस होता है, जब सर। आप पीपी प्लॉट क्यूक्यू प्लॉट में जा रहे थे, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन में खुद ही दिए हुए थे। देखें, अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल को यूज करते तो आपसे पूछ रहा था कि ओरिजिनल की जगह इसको लॉग लेके देखूं, स्टैंडर्डाइज लेके देखूं, डिफरेंस करके देखूं, बात समझ रहे हैं? तो डिफरेंट जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन इसने आपको यहाँ पे बिल्ट इन दी हुई है, तो आपको न्यू वेरिएबल जनरेट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ही चेक करके देख सकते हैं कि क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेने का फायदा है, तो क्या आप किसी नए वेरिएबल को कंप्यूट करें, फिर अंदर फर्दर एनालिसिस में आप उसको यूज करेंगे। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, पीपी प्लॉट का एक बेनिफिट है जो स्ट्रेस में नहीं था, क्या ख्याल है, वो बेनिफिट क्या होगा? ये देखें, ये थोड़ा एडवांस है, ये टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल लिखा हुआ है ना, यस सर। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, समझ रहे हैं? मुझे कार प्रोबेबिलिटी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन चेक भी करना कहते है, हैं। एक्सपोनेंशियल को चेक करना है, ठीक है, वेलबुल को चेक करना है, तो इसके ना डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। तो कोलमोर ग्रोव और शपिरो मिल्क तो सिर्फ नॉर्मेलिटी के लिए है ना, बाकियों के लिए तो नहीं है। जी अब सर। कल को मुझे कोई नया टेस्ट यूज करना है जिसके अंदर मुझे चेक करना है वेलबुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही, तो इनके थ्रू मैं सब चेक कर सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? यस सर। आपको फिलहाल टेंशन लेने की इसलिए नीड नहीं है क्योंकि आप लोग स्टेटिस्टिक्स में फिलहाल पीएचडी नहीं कर रहे, तो आपका ताल्लुक सिर्फ नॉर्मेलिटी से ही पड़ेगा। जब हम स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में टीच कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बाकी तमाम को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से यस। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कंसेप्ट है, आपका ज़रा तो ताल्लुक नॉर्मेलिटी से ही पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी चेक करना आ गई आपको? यस सर। चलें एक दफा फिर से, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर, ठीक है? एक्सप्लोर। यस सर। यहाँ पे मैंने एयर एट करंट एड्रेस डाल दिया, प्लॉट पे जाऊंगा, नॉर्मेलिटी विद प्लॉट पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू, ओके। यहाँ पे नॉर्मेलिटी टेस्ट मेरे पास आ गया, और यहाँ पे कोलमोग्रोव और शपिरो व्हील की वैल्यू देख के मैं देख बता दूंगा नॉर्मल है या नहीं है, डन, यस सर। ठीक है? देखिए, इसको एक लाइन में कंक्लूड करते हैं आसान करके। एज्यूम करें किसी बच्चे ने सिर्फ 2 मिनट में समझ लिया नॉर्मेलिटी कैसे चेक होगी। ये जो सिग वैल्यू देख रहे हैं आप लोग, यस सर। इस ये सिग वैल्यू अगर 0.05 या 0.05 से ज्यादा है तो नॉर्मल है, अगर ये सिग वैल्यू 0.05 से कम है तो नॉर्मल नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर रिपीट बिल्कुल करें सर। हसन साहब, एक लाइन के अंदर अंदर। जी सर। अगर सर हमारी सिग वैल्यू 0.05 से कम है तो नॉर्मल नहीं है, अदरवाइज नॉर्मल। मिसाल एज्यूम करते हैं पेपर से पहले आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अब इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट के बाद पेपर शुरू होगा, तो उसने कहा नॉर्मेलिटी सिखाओ मुझे, तो आप कहेंगे बस एक लाइन याद कर लो।
सिग वैल्यू 0.05 से ज्यादा है या 0.05 है तो नॉर्मल है, 0.05 से कम है तो नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। सर चलिए अब बाकी कंसेप्ट तो पीछे हम लर्न एक कर दफा और चुके हैं, रिपीट सारी कर दें डिटेल भी प्लीज। पढ़ चुके। अगर सिग वैल्यू 0.05 या ग्रेटर देन 0.05 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, अगर सिग वैल्यू लेस देन 0.05 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। और देखिए आप एक चीज नोट करें, ये लाइव क्लासेस नहीं है, ये तो मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये तो आप बार बार सुन सकते हैं, बात समझ रहे हैं? लाइव क्लास में इश्यू होता है, कोई पॉइंट मिस हो गया आपने नोट नहीं किया, वीडियो का तो यही तो बेनिफिट है, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप वीडियो सुन के रिवाइंड करके लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन जी सर। असन कैसे सर डिपेंड करता है टीचर पे, क्या वो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। असन सर मैंने आपसे पूछा शेपीरियो का ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, क्या लिखेंगे? सर वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहा। जी अच्छा आंसर दिया आपने, चलें आपको क्लियर हो गया, ठीक है ये मैं एंड कर रहा हूँ, न्यू टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। जी सर।